हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पोयम है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। ये पोयम लिखी है सुजाता भट्ट ने, जिनका बर्थ 1957 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि ये एक इंडियन राइटर है। सुजाता भट्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्स में मानी जाती हैं जो आज भी अलाइव हैं। ये पोयम ली गई है सुजाता भट्ट के पोएट्री कलेक्शन से, जिसका नाम है माई मदर्स वे ऑफ वियरिंग अ साड़ी। इनकी मोस्ट ऑफ द पोयम्स सोसाइटी को एक पर्टिकुलर मैसेज देने वाली होती हैं, और मोस्ट ऑफ द पोयम्स विमेन बेस्ड होती हैं, जैसे कि कैसे सर्कमस्टेंसेज को विमेन फेस करती हैं हमारी सोसाइटी में, और कैसे रेस्ट्रिक्शंस विमेन के लिए हैं इंडियन सोसाइटी में। ऐसे विमेन बेस्ड टॉपिक्स पर इन्होंने ज्यादा लिखा है। अब बात आती है हमारी आज की पोयम की, तो जैसा कि इसका टाइटल है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, मतलब एक अनचाही लड़की की आवाज, तो ये पोयम में फीमेल इन्फेंटिसाइड पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया गया है कि विक्टिम गर्ल चाइल्ड जिसे अबोर्ट कर दिया जाता है, वो मरने से पहले क्या क्या फील करती है, और वो अपनी माँ से पूछती है कि क्यों उसे अबोर्ट किया गया और उसके साथ क्यों ऐसा इनह्यूमैनिटी वाला बिहेवियर किया गया, जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की होती। तो ये थी पोयम की थीम। इसी के साथ ही शुरू करते हैं पोयम के टेक्स्ट को। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे। यहाँ पर अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड जिसे पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाता है, वो अपनी मदर से कहती है कि मदर, मैं वही हूँ जिसे तुमने बहुत दूर भेज दिया, जिसे पैदा होने से पहले ही तुमने इस दुनिया से बहुत दूर भेज दिया। वैन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल, जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि मैं एक लड़की होंगी। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी, और अंत में उनको मुझे एक इंजेक्शन देना पड़ा मुझे मारने के लिए। बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड, द मॉनसून स्लश, द विंड सल्किंग थ्रू योर बिलव्ड मुंबई। कि मरने से पहले मैंने सुना था बाहर जो ट्रैफिक के आने जाने की आवाज थी उसको, मॉनसून में बारिश के गिरने की जो आवाज होती है उसको, और तुम्हारे बिलव्ड मुंबई में तेज तेज हवा चलने की जो आवाज थी उसको भी मरने से पहले मैंने सुना था। आई कुड हैव क्लच्ड द नियोन ब्लू। यहाँ पर नियोन ब्लू का मतलब है ब्लू कलर का स्काई, और क्लच्ड का मतलब है छूना। कि मदर, मैं भी ब्लू कलर के स्काई को छू सकती थी अगर मैं जिंदा रहती तो। नो वन वॉन्टेड टू टच मी। कि कोई नहीं चाहता था मुझे टच करना, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम, व्हेन दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग। कि मुझे कोई नहीं टच करना चाहता था माँ, सिवाय बाद में जो ऑटोप्सी रूम में जो लोग थे उन्होंने जब ये जान लिया कि मेरा मुंह अब किसी की भी तलाश नहीं करेगा, मतलब जब तक मैं जिंदा थी तब तक मुझे कोई भी छूना नहीं चाहता था, और ऑटोप्सी रूम के लोगों ने भी मुझे तभी टच किया जब उन्हें ये पता चल गया कि मैं अब मर चुकी हूँ और अब मेरा चेहरा किसी की भी तलाश नहीं करेगा। एंड माई हेड कुड बी मेजर्ड एंड बी कट अपार्ट। कि मेरे हेड को मेजर किया गया और फिर उसे अलग अलग हिस्सों में काट दिया गया। आई लुकड लाइक ए स्लिक्ड पॉमीग्रेनेट। स्लिक्ड पॉमीग्रेनेट का मतलब होता है कटा हुआ अनार। कि जब मेरे सिर को मेजर करके अलग अलग हिस्सों में काट दिया गया तो मैं एक कटे हुए अनार की तरह दिख रही थी। द फ्रूट यू नेवर टचड, वो फ्रूट जिसे तुमने कभी भी नहीं टच किया मदर। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल योर सेकेंड गर्ल। कि मदर, मैं वही हूँ जिसे तुमने बहुत दूर भेज दिया, जब डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि मैं एक लड़की होंगी, तुम्हारी दूसरी लड़की। आफ्टरवर्ड्स एज सून एज यू कुड यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी। कि इसके बाद जब मैं मर चुकी थी, जब जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी तुमने अपनी ग्रास ग्रीन साड़ी को पहना। द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द परिजातक ब्लूसम्स ग्लिस्टर्ड इन योर हेयर।
परिजातक एक टाइप का फ्लावर होता है कि ऑरेंज कलर के परिजातक के फ्लावर तुम्हारे बालों में चमक रहे थे। ग्लिस्टर्न का मतलब होता है चमकना। आफ्टरवर्ड्स एवरीवन स्माइल्ड कि बाद में हर एक व्यक्ति मुस्कुराने लगा, मतलब जब मैं मर गई तो मेरे मरने के बाद हर एक व्यक्ति खुश था। बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, लेकिन अब मैं तुम्हें कहती हूँ मदर कि तुम मेरी तलाश करो। लुक फॉर मी बिकॉज आई वुड नॉट कम टू यू इन योर ड्रीम्स, मेरी तलाश करो मदर क्योंकि अब मैं कभी भी तुम्हारे सपनों में नहीं आऊँगी। लुक फॉर मी मदर लुक बिकॉज आई वुड नॉट बिकम ए फ्लावर, मेरी तलाश करो मदर क्योंकि मैं कभी भी अब फूल नहीं बन पाऊंगी। जब मैं एक कली थी तभी मुझे मार दिया गया तो अब मैं कभी भी फूल नहीं बन पाऊंगी। आई वुड नॉट टर्न इन टू ए बटरफ्लाई, अब मैं कभी भी बटरफ्लाई नहीं बन पाऊंगी। एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनी वंस सॉन्ग, और अब मैं कभी भी किसी के भी गीत का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। लुक मदर लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी कि देखो तलाश करो माँ उस जगह की तुम तलाश करो जहाँ पर तुमने मुझे भेज दिया है। लुक फॉर द अनस्पीकेबल कि उस जगह की तुम तलाश करो मदर जिसके बारे में बताया तक नहीं जा सकता है। लुक फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड कि मदर उस प्लेस को तुम सर्च करो, उस जगह की तुम तलाश करो जो इतनी भयानक है कि उसे डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता है। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दैट इज वॉट यू हैव डन कि मदर तुम मेरी तलाश करो क्योंकि ये वही है जो तुम कर चुकी हो, मतलब ये सच है कि तुम मुझे मार चुकी हो और इसके लिए तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दैट इज नॉट गॉड्स विल कि मदर तुम मेरी तलाश करो क्योंकि शायद ये भगवान की इच्छा नहीं थी, मुझे मारना तुम्हारी मर्जी थी, ये तुमने अपनी मर्जी से किया है, ये भगवान की इच्छा नहीं थी। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल डिहाइड, आई स्मेल ऑफ फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड एक तरीके की गैस होती है, जहरीली गैस होती है जो लेबोरेटरीज वगैरह में पाई जाती है कि मदर तुम मेरी तलाश करो क्योंकि मरने से पहले मैंने फॉर्मल डिहाइड जैसी जहरीली गैस को भी स्मेल किया था, तो तुम मेरी तलाश करो, तुम मुझे सर्च करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों मुझे इस तरीके से मारा गया। एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर और मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि तुम मेरी तलाश करोगी मदर। तो ये थी हमारी आज की पोयम, आई होप पोएम आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।